का इतने में बनवा दे ज्ञान चंद ब्लॉग। टाटा बाय बाय। अपन एक यहाँ पे लगवा स्टिकर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज अपन थोड़ा काम से आए थे एमपी नगर तक, थोड़ा बहुत कोर्ट में काम था। अब अपन को थोड़ा बाइक में मॉडिफिकेशंस करानी है। हाँ, पहले कुछ खाएंगे, उन्हें बहन के साथ आया था थोड़ा काम से, पहले कुछ खा लेते हैं। 2.5-3 घंटा हो गया सुबह से कुछ खाए नहीं है, 2.5-3 घंटे बैठे हुए हैं हम लोग कोर्ट में। थोड़ा काम था तो वो अटक गया बहुत ज़्यादा, और नाश्ता बिना करे हम घर से निकल आए थे। जाओ अंकल। अरे चाची जी चलते हैं ना खाने के लिए। क्यों? वहाँ पे वो रेस्टोरेंट है ना उनका। किसका रेस्टोरेंट है? चाची का। चलो देखते हैं। कहाँ पर है? यहाँ पे है तो लाइन से दुकान है। नीचे खा लेते हैं यार। गाड़ी कहाँ लगाए लेकिन? कौन सा? ये वाला है ना। तो आप इस चाटू को देख सकते हैं, एक बार में पूरा खा गया। हमारे पास चेयर नहीं है तो हमको बैठ के खाना पड़ रहा है। चल बैठ। तो गाइस हमने मोमोज खा लिए हैं, अभी चलते हैं अपन बाइक पे अपने वर्क कराने। तो बाइक पे जो वर्क है वो है अपना स्टिकर वर्क। अपने अपन चैनल का नाम स्टिक करवाने वाले हैं 2-3 जगहों पे, एक इधर शॉकर्स के साइड में और पीछे, और एक हेलमेट में भी कराना है अपन को। तो ये अपन करा लेते हैं आज। काफ़ी दिन से सोच रहा था करवा लूँ, आज करवा लेते हैं। क्या हुआ पंडित जी? बैग लेके जा रहे हैं एकदम। भाई बंद हो गई पंडित जी की गाड़ी। बस थोड़ी देर में करवा लेंगे अपन, जल्दी हो जाएगा। अरे पूरा लाइन से दुकान है, नंबर प्लेट्स एंड स्टिकर्स जो भी कुछ काम कराना हो। कौन सी दुकान से कराएं? करा ले। भैया अपन को स्टिकर बनवाने हैं। अपन को ये शॉकर्स के साइड में लगवाना है, है ना? एक इस पे स्क्रीन पे लगवाना है और एक पीछे लिखवाना है यहाँ पे। साइड में क्यों ले रहा है? साइड में ले लें यहाँ पे। काम का इतने में बनवा लेंगे ज्ञान चंद ब्लॉग। हाँ भैया यहाँ से बनवा लेंगे ना, यहाँ और उस साइड भी। नाम लिख दें और वो बाकी यूट्यूब का लोगो बना देना एक, है ना? मीटर पे जो बनाना, मीटर पे भी यही नाम लिखना है। वेबसाइट भी यही रहेगा, पीछे भी यही रहेगा, सेम रहेगा, नाम यही लिखना है। हाँ अपन जो वर्क करा रहे हैं वो करा रहे हैं पीछे यहाँ साइड में और स्क्रीन पे। ये करवा लेते हैं सब जगह वर्क और फिर आपको वीडियो दिखाते हैं कैसा लग रहा है और कैसा बन रहा है। तो गाइस अपना एक जो हेलमेट में है वो लग चुका है, अब देख सकते हैं। अभी बाइक के लिए चल रहा है, बाइक वहाँ गई अपनी, बाइक में भी ये लग जाएगा थोड़ी देर बाद। तो गाइस अपनी बाइक में काम हो चुका है, जो अपन ने काम कराया है वो कराया है महादेव आर्ट से, शॉप नंबर 14। अगर आपको भी अपनी बाइक को कुछ काम कराना हो तो आप ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत बढ़िया है भैया। और बाकी आपको घर चल के स्टिकर्स दिखाते हैं कैसे हमने फिट किए हैं। तो अभी चलते हैं घर सीधे, पहले बहन को ड्रॉप कर देंगे फिर अपन चलेंगे घर, फिर मैं आपको घर पे इसके स्टिकर्स दिखाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप राइट पे। अभी हमने हमारा वर्क करा लिया है गाड़ी पे और आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टिकर दिख ही रहा होगा। पहले बहन को ड्रॉप कर देंगे इंद्रपुरी में और फिर सीधे चलेंगे अपन घर। काफ़ी आज थकावट भरा दिन था, अपन ने खाया भी ढंग से नहीं है, अभी घर चल के कुछ खाएँगे। पहले दीदियों से दूर चलते हुए अपन, काफ़ी रश है अभी तो। और गाइस ये गाड़ी में आपको मिरर कैसे दिख रहे हैं आप बताइएगा ज़रूर। भाई ने आज सुबह इंस्टॉल कर दिया मिरर, मतलब भाई गाड़ी अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, ऐसा मत करो। बट भाई ना मानते हुए भी उसने लगा दिया, बोलता भाई 390 ऐसी लग रही है गाड़ी। मैंने बोला भाई मुझे तो कैसे नहीं लग रही वो 390।
तो कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहे हैं मिरर। अपन वैसे एंड बार मिरर लगाएंगे इसमें आगे, अभी सेफ्टी पर्पस के लिए अच्छे हैं लेकिन बट लुक अच्छा नहीं लगता इसमें। इनको भी कुछ अच्छा बना देना चाहिए अब तो, भाई दे रहे हैं तो कुछ अच्छा दे दो। ये चलो बस से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। रेड बस से मैं डेली मेरे घर से टीटी नगर तक जाता था क्योंकि मुझे वेट लिफ्टिंग के लिए जाना पड़ता था टीटी नगर स्टेडियम। पेट्रोल काफ़ी महंगा था तो अपन डेली इतना दूर जा नहीं सकते थे, अपन अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पेट्रोल, तो अपन ने बस का कार्ड बनवा लिया। तो एक महीना अपन कंटिन्यू गए, फिर उसके बाद बंद कर दिया क्योंकि फिर अपन घर भी करने लगे। काफ़ी अच्छी यादें हैं इसके साथ भी मेरी। स्टिकर्स मैंने अभी अच्छे से नहीं देखे हैं क्योंकि बहुत जल्दी था बहन को। अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं तो पहले इसको ड्रॉप कर दें, फिर अपन आराम से देखेंगे अपने स्टिकर्स। ये वाला स्टिकर गाइस गलत लग गया है, इनको थोड़ा नीचे होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि इससे फिर स्पीड अब थक गई अपनी। कोई बात नहीं, ऊपर या फिर नीचे लगवाना था अपन को, अपने भी भूल गए उस टाइम। हटा देंगे अपन इसको या तो फिर एक बार और जाके छोटा सा एक लगवा लेंगे। तो दशहरा मैदान में मेला लगने वाला, अभी देखते कौन सा मेला लगेगा ये वाला। भोपाल उत्सव तो हो चुका है पहले ही, जब से अपन ने अपना माइक सही किया है तब से थोड़ा विंड नॉइज़ कम हो गया है। क्या हुआ? ठंड लगी एकदम। ठंड लगी? इस एरिया में ठंड होती है थोड़ी थोड़ी भाई, BHL का है तो ठंडा तो हुआ। आज दिन में आओ चाहे शाम को आओ चाहे सुबह आओ, ठंड मिलेगी। यहीं से ले लूँ? तो अपन भूल गए थे इंद्रपुरी जाना है, यहाँ से सीधा पड़ेगा क्योंकि इंद्रपुरी, और अपन सीधे चले आ रहे थे पिपलानी की तरफ। आ गए अपन इंद्रपुरी और अपन को चलना है आपूर्ति तक क्योंकि इसकी गाड़ी वहीं खड़ी है। फिर यहाँ से निकल जाएगी जिम और अपन निकल जाएंगे अपने घर, यहीं खड़ी है। तो ये रही इसकी स्कूटी। टाटा बाय बाय। हाँ बाय, जा रहा हूँ फिर मैं। बहुत घूसट बहन है, बाय भी नहीं बोलती है, मुंडी लादी। चलो अपन तो चलते हैं घर। मैं सोच रहा हूँ जो स्टिकरिंग कराई है अपने गाड़ी में उसको अपन अपने स्कूटी में भी करा दें, बट बहन बोल रही है वो तू चलाता नहीं है, मेरी गाड़ी है उसको ज़्यादा छेड़ना मत तू। अपन ने बोला ठीक है भाई, हमने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं करवाएंगे आपकी गाड़ी में, रखो आप अपनी गाड़ी। अपन ने छोटे भाई की गाड़ी में ही करा दी है सब। आश्रम ज़रूर पहुँच गए। तो गाइस आप स्टिकर्स में आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। अपन ने एक यहाँ पे लगवाया स्टिकर और एक लगवाया अपन ने पीछे ज्ञानसन लॉक्स, और एक साइड में भी अपना ये। बाकी आपने ये तो देख ही लिया, इधर पे भी अपने स्टिकर जो लगवाया है। तो अभी इतने ही अपन ने काम करवाया है। तो हमारा जो ब्रूस है वो बाहर ही घूम रहा है तब से, पता नहीं उसको अंदर क्यों नहीं लिया किसी ने, वो भी परेशान है मुझे अंदर आने दो। और अब वो गेट के पास ही पड़ गया। तो भाई अपना ये काम तो हो चुका है, आराम करेंगे। बहुत दिन भर से निकले थे, बहुत थक गए, कुछ खाया भी नहीं, बस मोमोज ही खाया अपन ने दिन भर में, सिर्फ मोमोज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ ज्ञानसन ब्लॉग साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।